शहर के केंट क्षेत्र के शीला टॉकीज के पास पांच बदमाशों ने रंजिश में 23 वर्षीय युवक को उसके घर से खींच निकाला और लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। केंट पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। केंट टीआई विजय तिवारी के मुताबिक शीला टॉकीज के पास रहने वाला रत्नेश उर्फ गोलू राजपूत रविवार शाम को घर में आराम कर रहा था। उसका पास के ही आसू, पप्पू, निखिल, आशीष और साहिल से रंजिश थी। पांचों गोलू के घर पहुंचे और बाहर से गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद पांचों ने घुसकर रत्नेश को खींचकर घर से बाहर निकाला। लाठी डंडों से बेरहमी से पीटते हुए आरोपियों को रहम नहीं आई। बचने के लिए पीड़ित गिड़गिड़ाता रहा। आसपास के लोग भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसी बीच किसी ने केंट पुलिस को खबर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आंसू और पप्पू को दबोच लिया, जबकि अन्य को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। गोलू के सिर में गंभीर चोटें आई थी, जहां पुलिस मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची थी, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। केंट पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है। ये आज दोपहर 5 बजे करीब आपसी रंजिश को लेकर गोलू राजपूत जो है उनको पांच उनके दोस्तों ने मारा है, तो लट से उसके सिर पर मार देने से उसको सिर फट गया था, जिसे पुलिस द्वारा मेडिकल विक्टोरिया में भर्ती कराया गया था। विक्टोरिया से उसके इलाज के उपरांत वो भर्ती होने के बाद उसको मेडिकल रेफर किया गया, मेडिकल में जहाँ उसकी मृत्यु हो गई।